नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौड़ में मौजूद हूँ। बेलथौड़ रेलवे स्टेशन पे आज जो है यहाँ सांसद जो है सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं और हमारे पास जो राज्यसभा सांसद भी मौजूद हैं। जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद जिस तरह से जो है बेलथौड़ रेलवे स्टेशन का जो है जीर्णोद्धार होने वाला है, एयरपोर्ट की तरह से स्टेशन बनने वाला, उस पर जो है इनका क्या कहना है। सर, जो है आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। एयरपोर्ट बनने वाला नहीं, एयरपोर्ट की तरह से बन गया है, ये आप देख लीजिए पहले। और इस कार्यक्रम को लोग बहुत उत्साह उमंग है, इस इलाके के लोगों को। और बेलथरा रोड 10 साल पहले क्या था, आज के समय में क्या बन गया है और क्या भव्य तरीके से बिल्डिंग बनी है और तमाम सुविधाएं बढ़ी है, डबलीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ है, प्लेटफार्म बढ़े हैं, यात्री सुविधाएं बढ़ी है, जितना लोग अपेक्षा नहीं करते थे उससे बढ़ चढ़ करके हमारी सरकार ने काम किया है। और यहाँ बेलथरा रोड के हम कह सकते हैं कि अगल बगल के जितने स्टेशन है सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बेलथरा रोड बना। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, जिस तरह से जो है आज कार्यक्रम का जो है रखा गया यहाँ पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संबोधित किया गया, और जिस तरह से आज बाजार बंद था और अपने संबोधन में भी इसकी जो है थोड़ा बहुत जो है ये दिखाई है, लोग जो है बाजार के व्यापारी लोग चले गए होंगे, कुछ साप्ताहिक बाजार है चले गए, ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए। थोड़ा सा ये हमारा कहना था कि इन्हीं लोगों के लिए बना है, सभी व्यापारी और नौजवान यहाँ के लोग सब लोग मांग करते थे और वो सारी मांगे पूरी हो गई, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा कहा। लेकिन अब व्यापारी वर्ग है, हफ्ता में एक दिन टाइम मिलता है तो ठोक बाहर अपना थोड़ा निकल गए, फिर भी लोगों का सहयोग समर्थन खूब है, उत्साह। जिस तरह से सर लोकसभा चुनाव जो है अनकरीब है और आप जो है यहाँ के दो बार के जो है सिटिंग एमपी हैं और सुभाषपा भी जो है दावा कर रही है इस सीट पर, ऐसे ये तो इसमें अभी तो यहाँ पे देख और यहाँ पे तो तीसरी बार जो है यहाँ के जो उनके समर्थक हैं लोगों का जो है ये दावा है कि तीसरी बार जो है यहाँ से वह सांसद बनेंगे और सांसद जो है चुने जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है सुभाषपा भी जो है सीट पर जो है दावा कर रही है। देखना होगा जो किसी जो सीट मिलती है और क्या जो है इसका जो परिणाम रहता है। बात में देख लो, किसी के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे बात में देख सकते।